ख्वाहिश होती है कि वो राजा रजवाड़ों की तरह शाही लाइफस्टाइल के मजे ले सके। हालांकि वो दौर निकल चुका है जब शाही खानपान और लाइफस्टाइल का एक अलग रुतबा होता था, लेकिन रजवाड़ों के राज्य राजस्थान में आज भी शाही शान शौकत के रंग देखने को मिलते हैं। ऐसे में हर किसी को रजवाड़ों के शाही लाइफस्टाइल से रूबरू कराने के लिए हर साल पैलेस ऑन व्हील्स चलाई जाती है, जिसे इंडियन रेलवे और राजस्थान टूरिज्म मिलकर चलाती है। पैलेस ऑन व्हील्स में आपको 5-स्टार होटल से लेकर शाही खानपान तक हर चीज का मजा मिलता है। वर्ल्ड फेमस पैलेस ऑन व्हील्स को नए रंग रूप के साथ कल शाम नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से देसी विदेशी टूरिस्टों को राजस्थानी संस्कृति से रूबरू कराने के लिए रवाना किया गया। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की अध्यक्ष श्रेया गुहा, प्रबंधक निदेशक कुंज बिहारी पांड्या ने शाही रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर महाप्रबंधक प्रदीप बोहरा, दिल्ली में महाप्रबंधक संदीप शर्मा, रेल मंत्रालय के अधिकारी और कई गेस्ट मौजूद थे। प्रदीप बोहरा ने कहा कि टूरिस्टों को अधिक शाही अनुभव और सुविधाएं प्रदान करने के मोटिव से इस साल रेलवे के सभी 41 कैबिन्स में उनके सामान की सुरक्षा के लिए डिजिटल लॉकर्स की सुविधा प्रदान की गई है। रेल के बार को पेंट से सजाया गया है। इसके अलावा वुडन वॉल्स और लॉज एरिया को भी एक नए लुक में तैयार किया गया है। बोहरा ने कहा, शाही रेलगाड़ी के लिए इस सीजन की 70% एडवांस बुकिंग हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस साल ट्रेन में वाईफाई सुविधा को और अधिक बेहतर बनाने के लिए एक डोंगल की जगह पर 2 डोंगल लगाए गए हैं। इस बार खाने के मेन्यू में भी काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। बोहरा ने कहा, पैसेंजर्स के खाने के मेन्यू में भी बदलाव कर उसमें नए लोकल आइटम्स जोड़े गए हैं। इसके अलावा नई LED लाइट्स और बिजली के नए स्विच भी लगाए गए हैं। पैलेस ऑन व्हील्स 4 सितंबर 2019 से अप्रैल 2020 के अंतिम बुधवार तक दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हर बुधवार को एक सप्ताह के अद्भुत सफर के लिए रवाना होगा। इस दौरान ट्रेन जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर और आगरा होते हुए वापस दिल्ली पहुंचेगी। इस शाही ट्रेन के खास मेहमानों के लिए हर स्टेशन पर ठहरने के लिए चुनिंदा होटलों और फेमस टेस्टी आइटम्स की व्यवस्था भी की गई है। इसी के साथ राजस्थान की कला और संस्कृति से टूरिस्ट को रूबरू करवाने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाने का प्रबंध भी किया गया है। ये ट्रेन 7 दिनों में सैलानियों को राजस्थान के फेमस और हिस्टोरिकल प्लेसेस के साथ ही विश्व के 7 अजूबों में से एक आगरा के ताजमहल की सैर भी करवाएगी। बोहरा के अनुसार इस साल शाही ट्रेन के पहले सफर में कुल 48 देशी विदेशी पैसेंजर सफर करेंगे, जिनमें से 22 पैसेंजर्स दिल्ली से और 26 पैसेंजर्स जयपुर से रेल में बैठेंगे। उन्होंने बताया कि ट्रेन का सितंबर 2019 और अप्रैल 2020 महीने का किराया रियायती दर पर डबल ऑक्यूपेंसी में $500 और सिंगल ऑक्यूपेंसी में $650 यानी कि इंडियन करेंसी में ₹45,000 होगा। अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक का ये किराया डबल ऑक्यूपेंसी में $650 और सिंगल ऑक्यूपेंसी में $865 होगा। HS News के लिए प्रीति राजपूत की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें HS News, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।